light, you are my lucky charm. I hold you close in the night in my arms. And when we open our eyes, my worries fade away. 'Cause you gave me your heart in the light of day, in the light of day. तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज लेकर आए भाई अपनी आरएस, और आप लोग आज डिटेल बताएंगे कंप्लीट क्या क्या इसमें मॉडिफाई हुआ है, ए टू जेड अच्छा खासा लोडिंग्स किया हुआ है। तो वीडियो के एंड तक देखना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टिकर से लेकर पार्ट से लेकर ए टू जेड सब कुछ मॉडिफाई हुआ है, सिर्फ समझो रैप और एक जो एडिशनल एग्जॉस्ट लगता हुआ, एग्जॉस्ट लगा हुआ नहीं है अभी फिलहाल। चलो आप लोग को डिटेल वाइज बताते हैं। भाई अगर आप लोग शुरुआत से हम लोग को फॉलो कर रहे होगे, हमारे आरएस को देख रहे होगे, तब आपको समझ में आ रहा होगा क्या क्या इसमें मॉडिफाइड किया हुआ है। तो सबसे पहला चीज़, अपनी आरएस ज़्यादा चली भी नहीं है, और हम लोगों ने सबसे जल्दी जो इसका चेंज कराया था वो था टायर। तो आप लोगों ने होपफुली बर्नआउट वाली वीडियो देखा होगा, जिसमें हम लोगों ने बर्नआउट मार के पीछे वाले टायर को पूरा जला दिया था, और कंप्लीट जल के पीछे जो चौड़ा टायर लगा था, अभी तो हगर लगा हुआ है। तो इसके कारण क्या होगा, आपको प्रॉपर टायर दिखेगा नहीं। बारिश का सीज़न है, जो उसका ये जो पानी उड़ाता है ना भाई, लिटरली पूरा गंदा कर देता है, जिसके कारण हगर लगा हुआ है। बाकी फ्रंट से अगर स्टार्ट करें तो फ्रंट में देखो, सबसे पहले हम लोगों ने ये वाली वाइज़र लगाई थी। जो स्टॉक वाइज़र था वो हमारा ब्लैक कलर का था, मैट ब्लैक हम लोगों ने रैप करवाया था, लेकिन उसको हटा के जो बड़ा वाइज़र आता है वो। और फ्रंट में ये डीआरएल मतलब हम लोग, ये कस्टम मेड इन द सेंस, ये एक स्ट्रिप लाइट आता है उसी को काट के हम लोगों ने कनेक्शन लिया है अंदर से। और बाकी इसके प्रोजेक्टर हेडलैम्प तो आप लोग जान ही रहे हो। और ये लाइट्स मेरे से बहुत कोई पूछ रहे थे, लाइक दूर से देखने में समझ में आता नहीं है ये वाला कि आपका स्ट्रिप लाइट है, क्योंकि लगता है कि एक सेंस में, लेकिन अगर सामने से देखोगे तो आपको समझ में आएगा डॉटेड वगैरह। और इसमें हम लोगों ने समझ जाओ हज़ार इंडिकेटर के लिए हज़ार वाला जो रिले होता है वो लगवाया था। तो आप देख सकते हो अलग अलग पैटर्न में। और फिर स्टिल्थ मिरर, ये भी हम लोगों ने लगाया। स्टॉक मिरर हटवा दिए थे क्योंकि भाई आगे का फेस, वाइज़र विंगलेट और ये स्ट्रिप लाइट लगाने के बाद आगे का फेस स्टॉक मिरर में बहुत गंदा लगेगा, इसके कारण सोचे स्ट्रिप मिरर लगवाते हैं। तो स्टिल्थ मिरर। और बाकी फ्रंट फेस हमारा बहुत बड़ा लगने लगा था, कंप्लीट वाइज़र से लेकर आप यहाँ तक अगर देखोगे तो कंप्लीट प्रॉपर बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया था। इनफैक्ट हैंडल तो इसका बाहर है ही, और अब तो हैंडल बार भी लगा हुआ है, जैसे ये देखो, इसके कारण और चौड़ा लगता है, जो डैशबोर्ड रहता है ना ऊपर से बहुत ज़्यादा चौड़ा दिखता है कंप्लीट। और एक और चीज़, ये मोबाइल होल्डर भी लगा हुआ है। तो ये था कंप्लीट ओवरऑल फ्रंट का मॉडिफिकेशन। और बाकी स्टिकर्स वगैरह, जैसे 46 का स्टिकर हो गया, फोक में हम लोगों ने बस एक ये स्टिकर लगवाया था, और ये एक मोटो जीपी का स्टिकर बनवा के, ये कस्टमाइज रेडियम वर्क से हम लोगों ने कटवाया भाई। और इसका एलॉय आपको पता है, जैसे ब्लू कलर में ही आता है फ्रंट का, फिर यहाँ पे एक सिंबल है इसका कंपास, फिर एक्रापोविच का एक स्टिकर, यहाँ पे डॉक्टर का, आपको पता है भाई मैं इसका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो ये वाला स्टिकर यहाँ लगा हुआ है। और अगर अपोजिट साइड से देखोगे तो अपोजिट टाइम में यहाँ पे AGV का स्टिकर और GoPro का स्टिकर। और बाकी फ्रंट में एक और चीज़ देखोगे तो ये वाले जो DRL रहते हैं, इस पर जस्ट एक रैप लगा हुआ है, एक जगह रेड का एंड एक जगह ब्लू का। तो इसका भी कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हालांकि बाइक तो बहुत ज़्यादा चौड़ी लग रही है, नो डाउट, देखो यहाँ से तगड़ी लग रही है भाई। इनफैक्ट पूरा लुक हम लोगों ने चेंज कर दिया फ्रंट से। बॉडी पे थोड़े बहुत स्टिकर है, लाइक यहाँ पे देखोगे अब यंग वाइल्ड फ्री का स्टिकर हो गया, नॉइज बॉम्ब का स्टिकर हो गया, और बाकी यहाँ पे मोटो जीपी का स्टिकर हो गया, और इस साइड में एग्जॉर का। बाकी ये तो फ्रंट सेक्शन का था, फ्रंट सेक्शन में ही ज़्यादा मॉडिफिकेशन हम लोगों ने इसका करवाया। रेयर सेक्शन में बस ये जो टेल लाइट है ना, टेल नहीं मतलब कंप्लीट टेल टाइडी हटा हुआ है, और कस्टम टेल टाइडी यहाँ पे लगवाया हम लोगों ने मोटो ग्रैंडाइज का, तो इसका भी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। और टेल लाइट हम लोगों ने खुद से प्रॉपर डिज़ाइन करके बनवाया, जैसे देखो ये कंप्लीट टेल लाइट भी स्ट्रिप लाइट हम लोगों ने स्टिक करवाया था, कि इसका लुक कुछ ऐसा आए कि थोड़ा सा तगड़ा लगे। बाकी चलो एक बार और आपको ब्रेक दबा के दिखाते हैं हम लोग, लुक इसका बहुत ही ज़्यादा तगड़ा आ रहा था। जैसे देखो सस्ते में हम लोगों ने मॉडिफाई करवाया भाई, लाइट्स वगैरह का वर्क जो है ना वो काफ़ी सस्ते में करवाया। जो मेन खर्च हमें पड़ा था भाई वो टायर का पड़ा था यार, अच्छा खासा। अभी तो प्राइस कितना है C8 जूम का 150 सेक्शन का टायर का, मुझे कमेंट सेक्शन बताना। बाकी यहाँ पे एग्जॉस्ट जो लगा रहता है कस्टम, वो तो आपको पता है कि NS का जैसा सिस्टम है, RS का भी वैसा ही सिस्टम है। तो एग्जॉस्ट बस यहाँ पर टाइट होता तो वही हम लोगों ने खुलवा लिया,
और बाकी तो कुछ ऐसा चेंज है नहीं, वही चेंज जैसा फ्रंट के सेक्शन में सबसे ज़्यादा मॉडिफिकेशन है। फ्रंट का सेक्शन अगर आप लोग देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जनरली कंप्लीट फ्रंट का सेक्शन ही हमारा अच्छा खासा मॉडिफाई किया हुआ है। वाइजर अराउंड मुझे पड़ा था 1400-1500 का, स्टील मिरर आपको पता है 2999 का आता है और सस्ता भी आता है, पर ये मेटल वाला है तो ये महंगा पड़ा था। फिर इंडिकेटर्स जो ये 1000 जल रहे हैं ये भी 1400-1500 का पड़ा था, जिनका बटन यहाँ पे दिया हुआ है और इनका पैटर्न चेंज होता है जैसा आप लोग देखोगे, अच्छा खासा पैटर्न इसमें दिया हुआ, 16-17 पैटर्न है, हर टाइप का पैटर्न है इस पर। जितना बार ऑन ऑफ करोगे पैटर्न चेंज होता जाएगा। तो वो हो गया 1000 का। बाकी ये मिरर में एक दिन मैं कोलकाता में पकड़ा आया था भाई, ये मिरर से पूछा गया मेरे एक दिन नज़र आता है, तो बोला नहीं सर बस लगा हुआ है। और ये वाला हैंडल बार देखोगे तो ये अराउंड 400-500 के लगभग का पड़ा था, तो मोटा मोटी खर्च आ गया। मैं विंगलेट का भी आपको पता है हर टाइप का आता है, 300 या 250 के लगभग का विंगलेट मिल गया था हमें। और टेल टैडी जो है ये थोड़ा महंगा आता है, तो ये मेरे को एक मैंने कोलैब किया था मोटो एरेंडाइज के साथ, उसके साथ मेरे को मिला था। ऐसे इसका प्राइस एक बार आप लोग उनके वेबसाइट पे चेक कर लेना। बाकी थोड़े बहुत स्टिकर वर्क यहाँ पे जैसे कार्बन फाइबर थोड़ा सा लगा हुआ, क्योंकि ये पोर्शन ब्लैक था, हम लोगों ने कार्बन फाइबर करवा लिया इसको। और तो और क्या, बाकी थोड़े बहुत स्टिकर्स वगैरह वर्क लगे हुए हैं और कुछ नहीं। बाकी बाइक अपनी जो है वो आगे से और ज़्यादा बल्की दिखने लगी है। स्टॉक वाली अगर आरएस खड़ा कर दोगे ना इसके बगल में, तो स्टॉक वाली आरएस जो है वो बहुत ज़्यादा पतली लगेगी। इसका फेस थोड़ा सा चौड़ा क्या, बहुत चौड़ा लगने लगा है, जैसे देखो कंप्लीट तगड़ा चौड़ा लगता है भाई इसका फेस। सिंगल पीस मेरे को लगता है ऐसा मॉडिफिकेशन है स्टॉक कलर पे। बाकी कलर वगैरह भी बहुत कुछ चेंज करा देते हैं, फिर एग्जॉस्ट लगा देते हैं। एग्जॉस्ट सिंगल सिलेंडर में मैं बोलूँगा ना ही लगाओ तो बेहतर है, और अपना एग्जॉस्ट हटा हुआ है ना तो कुछ अलग ही लुक आता है भाई यहाँ से देखो। और टायर्स भी पीछे अपग्रेड किए हैं मैं, तो इन शॉर्ट मैं बोलूँगा ज़्यादा नहीं कितना ही, और टायर का ही दाम समझो अच्छा खासा महंगा पड़ जाएगा, अराउंड 10+ का मॉडिफिकेशन तो होगा ही। कभी मैंने काउंट नहीं किया भाई, क्योंकि अपनी बाइक पे ही मॉडिफाई कर रहे, क्या काउंट करना। तो चलो ये था हमारा आज का वीडियो, और बाकी इसके मोटो ब्लॉग्स वगैरह तो आप लोग देखे ही होंगे। कंप्लीट भाई से भगाने में काफ़ी मज़ा आता है, 150 हमने टच किया है इस पर। और बाकी तो एक बार एग्जॉस्ट नोट भी आपको सुना ही देते हैं इसका, ऐसा नहीं है कि इसका एग्जॉस्ट चेंज हुआ तो आवाज़ में कुछ चेंज किया, मतलब एग्जॉस्ट हटा तो कुछ आवाज़ में चेंज आया, हल्का सा थोड़ा सा भारी लगेगा। बाकी तो कुछ चेंज आया नहीं है। चलो भाई इसी के साथ वीडियो करते हैं अब एंड। होपफुली आपको वीडियो पसंद आएगा, एक बार लाइट ऑफ में लोग देख लो भाई इसका कैसा लगता है, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। ये फेस देखो ऐसे ही, इसका डिज़ाइन बहुत बिजी था, साइड प्रोफाइल वगैरह देखोगे, फ्रंट सेक्शन वगैरह देखोगे, इतना बिजी होने के बाद भी हम लोगों ने इतना ज़्यादा लोडिंग कर दिया और बिजी लगने लगा और कुछ अलग टाइप का लुक आया। कमेंट सेक्शन में बताना ये लुक आपको कैसा लग रहा है। चलो हम लोग वीडियो करते हैं एंड, होपफुली आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आया भाई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, राइड हार्ड, राइड सेफ, स्टे सेफ, इन्जॉय। और हाँ कमेंट सेक्शन में हमें बताना कि आपको ये लुक कैसा लगा। चलो तब तक के लिए बाय बाय।